मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। सुपर मॉम, ये हम उन सभी महिलाओं को कह ही सकते हैं जो अपने बच्चों का ख्याल खुद रखती है, जो माँ बनकर अपने बच्चे को प्यार देती है और उसी तरह पिता बनकर अपने बच्चे की परवरिश करती है, जिसे समाज में हम सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट कहते हैं। जज्बातों का जज्बा। वेलकम टू जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। आवर गेस्ट टुनाइट इज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अमेजिंग मदर, रेशमा लाल, who is a single parent। कुछ वजह से अपने पति से अलग है, लेकिन इससे उनके माँ होने के फर्ज में कोई बदलाव नहीं आया। रेशमा, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर ट्रेवलिंग ऑल द वे फ्रॉम नांदी। थैंक यू शेरिन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। रेशमा, ये बताइए कि क्या वजह होगी जो आपको अपने बच्चे की परवरिश खुद लेनी पड़ी? एक्चुअली आई वॉज मैरिड इन 2007 और 2015 में हम और माई हस्बैंड वी गॉट सेपरेटेड एंड 2016 वी वर डिवोर्स्ड। सो फ्रॉम 2016 टिल नाउ अब हम अपन सन के सिंगल हैंडेडली आई एम लुकिंग आफ्टर हिम। सो दैट्स बेसिकली द रीज़न वाई आई एम अ सिंगल पेरेंट टिल टुडे। I have only one son, and he's gonna be 9 years in September this year. Okay. So we have, as you mentioned, yes, I came all the way from Nandi, but I'm originally from Nosori. Yeah. And हमारे जॉब के कारण I have moved to Nandi with my son. रेशमा, सिंगल पेरेंट होने का ये मतलब है कि आपको दो गुना रिस्पॉन्सिबल होना होगा। पहले एक माँ की तरह अपने बच्चे की परवरिश करनी होगी, फिर एक पिता की तरह उनका ख्याल रखना होगा। How do you do all this? Oh, हाँ शारिन, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लाइक जब हम मम्मी है ना तो वी आर वेरी सॉफ्ट एंड वी आर वेरी कोऑर्डिनेटेड, और जब फादर लोन रहे तो फादर लोन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे ना, तो एज अ सिंगल पेरेंट हमें बैलेंस करे के पड़े। आई हैव टू लव माई सन इन द वे अ मदर डज, फिर उसके गाइड करे के, उसके स्ट्रिक्ट करे के, उसके डिसिप्लिन करे के आई हैव टू बी अ फादर एज वेल। सो इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बहुत डिफिकल्ट हो जाए, स्पेशली बिकॉज लड़कन जाने हैं ना किड्स नो कि मॉम कौन सी है, डैड कौन सी है। तो समटाइम्स इट बिकम्स हार्ड टू बी अ डैड, बट इट्स चैलेंजिंग बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। डेफिनेटली रेशमा, जब आपने और आपके पति ने ये डिसाइड किया कि ओके हाँ अब हम अलग हो रहे हैं, आई एम श्योर आपको तो पता होगा कि एज अ सिंगल पेरेंट बच्चे को रेस करना, खासकर जब बच्चे को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू। क्या उस समय आपने ये सोचा था कि आप वो सब कर सकेंगी जो आप आज कर रही है? एक्चुअली शारिन, टू बी ऑनेस्ट, जब हम लोग सेपरेट भेरा इन 2015, हम लोग के बहुत पता नहीं रहा दैट अर्श इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। मे बी बिकॉज हम लोग के हेल्थ केयर सिस्टम उतना वो नहीं है टू टेल अस कि अर्श इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, बट आई न्यू कि दे विल बी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट जैसे ऑप्शन नहीं रहा ना, आई ही उसके न्यूजीलैंड जाना रहा तो द सन वॉज विद मी, तो आई न्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड बी देयर, बट इतना ज़्यादा रही एज ही इज़ ग्रोविंग अप। मे बी आई न्यू, बट हम खाली एंटिसिपेट नहीं करा रहा कि वो रकम से रही। सो या आप आपका और आपके बेटे का जो मदर एंड सन मोमेंट होता है, आप लोग उस समय क्या कुछ करना पसंद करते हैं? अर्श क्या कुछ करना पसंद करता है? जस्ट बिफोर आई एक्सप्लेन दैट, कैन आई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट अर्श? यू मेंशन स्पेशल ना, तो अर्श इज अ ऑटिस्टिक चाइल्ड और मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट ऑटिज्म इज। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट किड, अगर आप उसके व्हेन ही वाज इन किंडी ही न्यू एवरीथिंग बेसिकली, जो ईयर टू के लड़कन जाने, तो बेसिकली हिज स्पेशल नीड्स इज जन ओ ही स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी लेट, काफ़ी देर में बात करी से। बट एनी वे दैट असाइड, अर्श लव स्विमिंग, ही एन्जॉय स्विमिंग, तो एवरी वीक वी हैव टू गो स्विमिंग। तो सिंस हम लोग नेंडी में है तो बीचेज आर ऑलवेज क्लोज बाय,
तो वी लव ही लव्स गोइंग टू स्विमिंग ही लव्स मूवीज he loves McDonald's, he loves eating pizza, he's very hyper. So he doesn't like to be in an enclosed space. So sab time mangi bahare ghume, climbing trees and all these things, riding his bike. He's very energetic and wants to do all these little things, and I enjoy my time with him. After work I make sure that I come back home, I prepare dinner, I do his homework, and then we have a bit of a play time, we do puzzles. I read him storybook every night before he goes to bed. So we have a lot of things that we do. It's very, I mean, energy to drain ho jai, honestly, but I enjoy my time with him. Autism, ye kis tarah se aapke bacche ko asar karta hai? As a mother of a child who is suffering from autism, aapko kin kin zaruraton ka khayal rakhna padta hai? ऑटिज्म शायरिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ना, तो उस स्पेक्ट्रम में मोस्टली किड्स बहुत देर में रिस्पोंड करी. अभी मान लो आप उससे पूछेगा आपके नाम कौन सी है, तो वो आपके थोड़ा से देर में रिस्पोंड करी. कोई भी कम्युनिकेशन आप उससे करेगा तो उसके थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स रही ना, प्रॉब्ली उसके कॉग्निटिव स्किल्स वो सब इज नॉट वेरी मच डेवलप्ड एज येट एज अ 9 ईयर ओल्ड के चाहे रह के. तो दैट इज़ वन थिंग जो उसके डिलेड रिस्पॉन्स रहे हुए हैं. तो उसके लिए पेशेंस होना, पेशेंस इज द वाइटल फैक्टर आई विल से. जब हम उससे बात करता तो आई नो कि उसके रिस्पॉन्स डिलेड रही, तो आई हैव ऑल द टाइम एंड पेशेंस टू वेट फॉर हिम. लाइक जब हम उसके संजय के स्कूल से पिक करता तो आई टेल हिम, एक्चुअली हम उससे पूछता तो एक्चुअली रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके 10 o'clock स्नैक इज़ अ रेड कंटेनर, उसके लंच इज़ अ ग्रीन कंटेनर. तो आई हैव टू आस्क हिम, आप अपन लंच स्नैक कंटेनर में कौन सी खाया? तो हमें he'll think, he'll say red container, and then he'll tell me exactly the things I put in there. And then lunch container, he'll say green container. So that's a very important patience. Patience is very important agar if you are dealing with any special child or any child for that matter. Or tolerance, patience, or time. Like, as I said, delayed response rahi. Kuch kaam bhi kari, toh he'll do it slowly. तो एज अ सिंगल पेरेंट व्हेन आई एम ऑलवेज ऑन द रश है ना, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट ही गेट्स एम्पल टाइम टू डू हिज सबरे उठे, देन ही नीड्स द टाइम टू वेक अप ड्रेस अप. तो अगर हम उसके रश कर देता देन हीज रूटीन इज ऑल डिस्टर्ब्ड. तो आई हैव टू बी माइंडफुल ऑफ फ्यू थिंग्स. हम आई कॉन्ट टॉक लाउडली, हम दो जोर से नहीं सकता उससे बात करें, थिंग्स लाइक दैट आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल. थैंक यू रेशमा, लेते हैं एक ब्रेक जिसके बाद इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे. दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात. वेलकम बैक, मैं हूँ शैरिन शिवान और आप देख रहे हैं जज्बात. याद रहे कि जज्बात एक ऐसा शो है जहाँ पर हम हर एक एपिसोड में एक नए टॉपिक पर बातें करते हैं, और आज हम बातें कर रहे हैं अबाउट सिंगल पेरेंट. रेशमा, आपको कभी ऐसा लगा कि अर्श के लिए कोई ऐसा काम है जो केवल उनका पिता कर सकता था? थैंक यू शैरिन फॉर दैट क्वेश्चन. कभी कभी लगता था, कभी कभी ऐसे लगे इनिशियली, कभी कभी लगे तरह, बट आई थिंक विद टाइम दिस 5 years ऑफ सेपरेशन विद हिज डैड, आई थिंक प्रिटी मच एक औरत सके काफ़ी कुछ करे जो एक फादर सके करे. आई राइड अ बाइक विद हिम, हम उसके अपन कंधा पे बैठा था, एंड बेसिकली आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ फादर डज. आई मीन फिजिकली आई एम नॉट अ मेल, बट आई डू एवरी थिंग दैट अ फादर डज. बट फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड अ मादर एंड फादर दोनों इंपॉर्टेंट रहे ना. आई कॉन्ट से कि आई कैन डू एवरी थिंग. रियलिस्टिकली बोथ पेरेंट्स आर नीडेड. So though I can do a lot of things, but a growing child ke liye ek father bhi important hai. Definitely. Aur kya Arsh is baat ko accept kar chuka hai ki unke life mein keval aap hi hai, ya fir abhi bhi apne pita ko miss kar rahe hain? Actually though uske dad usse dur hai, he is in New Zealand, but communication is open. To uske dad does call him, communicate kare usse, aur jab bhi we go to New Zealand वो अपन डैड के साथ में टाइम स्पेंड करे. उसके डैड या उसके फैमिली, अभी जस्ट कपल ऑफ वीक्स अगो उसके दादा दादी आइस रहा, एंड दे स्पेंड टाइम विद हिम. सो
though he's physically not here, but he knows ki uske dad New Zealand mein hai, he knows uske phua kon hai, and he knows all those things. So I have not created a barrier because I want Arsh to know ki uske dad though uske saath nahi hai, but he has a dad and he has a paternal family as well. So he very much knows that. Okay. Aapke life mein jo stressful moments aate hain, aap usse kis tarah se deal karte hain? Good question. There are a lot of stressful moments. Basically what I do, I love to watch movies. So after I have cleared hama sab kaam, I have Arsh ke homework us soot jaye, then I take out a bit of time for myself, like watch a movie or listen to music. I love reading too. So kabhi kabhi ek saal lag jaye hame ek book finish karte, but I do read. So those are how I just balance my time, because jun stressful moment re, if you continue that, then it's very unhealthy. So for me, though timing out ho jaye hai, but I take a bit of time for myself taki I can unwind and you know recharge my energy as well. Aisa kya hai Reshma jisse aapko confidence milta hai ki ha mujhe ye karna hai, I am not going to lose hope, mujhe apne bacche ke liye karna hai, apne liye karna hai? Actually hame confidence hama son se hi mile, and I get a lot of confidence from my mother. My mom has raised 4 daughters, and she has raised 4 very strong-minded women. So most of my confidence comes from my mother. Seeing her, she's still around, so seeing her gives me a lot of confidence. If she can do that, then why can't I do it? Or Arsh gives me a lot of confidence and hope at the same time. When I see Arsh, I know uske special needs hai. And I just think ki agar hum wo equation se, if I take myself out, then what will happen to Arsh? So I always have that factor in me ki I always have to do something or mold him in such a way ki agar hum uske zindagi mein nahi hai at some point in time, then he's independent, he's able to do things, he's not living in a bubble. So that gives me a lot of confidence. What are some of the qualities of a good mother? Qualities of a good mother, well, every mother is good, I suppose. So, well, the qualities of a good mother would be as normal, very caring, very nurturing, loving, understanding, and listening to your child as well. It's very important ki hum log apan son ke bhi suni, I mean, sorry, apan kids ke bhi suni. For me, jaise Arsh ke limited, he articulates very less words, na? Bahut kamti uske speech hai. तो वो बिट बाय बिट में बात करे. तो फॉर मी हमें जाने के पड़ी कि वो कौन सी बात करे मांगे. तो उसके बोले से पहले या एक दो वर्ड्स बोले से पहले आई हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी मांगे बोले. तो एज अ मदर आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू लिसन टू आवर किड्स एज वेल, अंडरस्टैंड देम एज वेल. अर्श के स्पेशल केयर नीड की वजह से क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आप फेस कर रही है? कुछ कभी किसी ने बोला जो आपको हर्ट किया? Oh yes, Sharin, definitely a lot of time. Because jisem pehle mention kara ki people don't understand nahi kare autism na. To agar wo thoda se hyper ho jaye, abhi aap uske can close room mein rakh dega, he'll get very hyper, claustrophobic bhi ho jaye. To people don't understand nahi kare ki kahe all of a sudden he'll start shouting, because he's not able to process that na. To people will say ki iske kaun chahiye, ye paglaege, you know. I have actually heard those words, Sharin. And society is not very accepting to all these things. They don't understand ki kaun si hai. But for me, I have to stand up for my son, because agar hum nahi uske liye stand up karega to koi nahi karega. So I have faced a lot of situations, schools mein, hospitals mein, families ke ghare, a lot of places. People understand nahi kari, and they'll give you that look ki kahe tuma son all of a sudden chillaye laga, kahe wo chuppe nahi sake baithe. But there are reasons ki kahe wo ek jagah chuppe nahi sake baithe na. Agar koi jagah dher halla hoye, then he's not able to take that. But I try to take him to those places taki he gets used to those things. So people don't understand those things at times. Even schools maybe, humoke education system is not such where they equip kids with the special needs. So yeah, education is one factor as well. लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे. दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बा. दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बा. वेलकम बैक. याद रहे कि आप हमें सोशल मीडिया पर जज्बात फीजी नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां आप बिहाइंड द सीन फोटोज वीडियोस के अलावा ये लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को उन सभी महिलाओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं who are the true heroes in their lives.
रेशमा अर्श क्या एक स्पेशल स्कूल जाता है? करंटली वो स्पेशल स्कूल नहीं जाए है, ही इज गोइंग नंडी में, ही इज अटेंडिंग अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल, इट्स अ आईबीटी बाइबल कॉलेज, इट्स अ क्रिश्चियन स्कूल. व्हेन जब हम नौसोरी में रहा, ही यूज टू अटेंड नौसोरी स्पेशल स्कूल, एंड लेट लास्ट ईयर जब हम नंडी मूव भया तो वी कुडंट फाइंड अ स्कूल फॉर हिम, तो आई हैड टू सेंड हिम टू नंडी स्पेशल स्कूल. लेटर ड्यूरिंग द लास्ट टर्म ऑफ लास्ट ईयर देन आई फाउंड दिस स्कूल अमेरिकन इंटरनेशनल, तो अर्श करंटली वो स्कूल जाए. क्या अर्श का मेडिकल कंडीशन इम्प्रूव हो सकता है, इस बारे में डॉक्टर्स ने क्या कहा? Autism is a behavioral aspect, na? So they're saying with a lot of intervention in how you associate with it, the behavior, the patterns might change. But medical condition, abhi tak to I don't think they have come up with anything that could basically say it can be gone forever. So with behavior changes, behavior interventions, there might be a lot of, I can see there is a lot of improvement and changes in him. Ek special child की परवरिश में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं और हाउ आर यू एबल टू मीट द नीड्स ऑफ योर चाइल्ड? देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस शेरिन, एंड जैसे ही लव्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एज आई मेंशन, तो आउटडोर एक्टिविटीज काफ़ी करे हो, तो उसके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एज वेल. इट कम्स हैवी ऑन द बजट, स्पेशली आई एम लिविंग अलोन, रेंटिंग एंड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिस हैव कम अप, तो it becomes very hard, challenging, but I have to balance it out with other things. So, uske swimming classes bhejna, fir uske outing karana, and the things that he may need, uske jonchi khaye mange, then agar wo ek cheez nahi mange khaye, then he will not eat it. Hum uske encourage nahi karta every day to eat something outside, but agar he wants it, we are out, then I have to think of him as well. So, yes, it does come. I'm sorry, it does come heavy on the budget at times. And it's not very easy. Reshma, क्या हमारी सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि बच्चे को इधर माँ या बाप का प्यार मिले, या फिर वे लोग आपसे अभी भी ये कह रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल फैमिली का होना ज़रूरी है जिसमें एक माँ हो, एक पिता हो और बच्चे हों? I hear that all the time, my families, कि रेशमा तुम कब सेटल होता, एंड कॉमनली से एक अच्छा लड़का खोज के सेटल हो जाओ. तो लोग के डेफिनेशन ऑफ अच्छा लड़का हमें आज तक समझ में नहीं आई से, बट आई ऑलवेज गेट दिस, रेशमा एक अच्छा लड़का खोज के सेटल हो जाओ. तो दे एम एक्सेप्टिंग कि हम एक सिंगल पेरेंट, आई कैन डू इट ऑन माई ओन. आई थिंक आई कैन से सोसाइटी हैज़ मूव्ड ऑन, दे आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट इट, बट मजोरिटी ऑफ द सोसाइटी अभी भी वहीं कहीं स्टक है, दैट एक लड़की, मोस्टली लड़की, अगर एक लड़का है, सिंगल फादर है, तो आई थिंक उसके पूरा फैमिली या उसके पूरा सोसाइटी विल हेल्प हिम रेज अ चाइल्ड. बट अगर एक सिंगल मदर है, देन इट कम्स विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड एंड अ लॉट ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट. सो दैट्स स्टिल, दैट्स समथिंग आई सी कि अभी भी है मुझे सोसाइटी में. कुछ साल पहले आपने जो ये डिसीजन लिया था कि आप अपने बच्चे की परवरिश खुद करेगी, डू यू थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन यू हैव एवर मेड? ओह डेफिनेटली हाँ शेरिन, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. कि नॉट द बेस्ट डिसीजन टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम माय हस्बैंड ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस, बट द बेस्ट डिसीजन के अर्श के हम सिंगल हैंडली रेज करेगा, एंड विद टाइम आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. अर्श इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन माय लाइफ, एंड विद ऑल दिस चैलेंजेस, विद ऑल दिस obstacles जो हम फेस कर अपन लाइफ में, आई थिंक इट हैज़ मेड मी अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम वट आई वॉज कपल ऑफ ईयर्स बैक. ही एक्चुअली हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड सॉरी अबाउट दिस, ही हैज़ एक्चुअली गिवन मी अ लॉट ऑफ वट्स द वर्ड आई कैंट फाइंड, बट ही हैज़ मेड मी द पर्सन आई एम टूडे. Your advice to single parents, whether be it a single mom or single father? My advice to them would be ki I'm sure they love their child and the child means everything to them. But being a single mother or a single dad, agar you are moving on in your life and jo naya person aaye uske zindagi mein, sometimes it becomes hard for them to adjust to their routine, na? So it becomes hard. So whoever is out there, and you want to settle with the single parent and their child, you need to come with a very open mind that you are not just getting settled with the mother or the father, you are settling in with the child as well. So basically that's all, and
apart from that, I think the single mother or the single father, or they're doing an amazing job. Society se kya kuch expectations hai? Society se expectation kuch zyada hai ki, you know, please understand. That's the only thing hum sakta bole ki, please try and understand. Don't just judge a person ki kaha hi ek single mother hai ya single father hai. Basically, it comes with a lot of negative stigma. कि जस्ट बिकॉज वो सिंगल मादा है तो सब कसूर लड़की के है, उसके कुछ प्रॉब्लम है, उसके कुछ सॉरी उसके कुछ अफेयर है या उसके कुछ प्रॉब्लम्स है, दैट्स व्हाई वो अपन हस्बैंड से सेपरेटेड है. सो दैट्स द मोस्ट काइंड ऑफ स्टिग्मा दैट आई हैव सीन पीपल कम अक्रॉस विद. तो माय ओनली थिंग आई वुड से टू द सोसाइटी इज प्लीज अंडरस्टैंड कि एक पर्सन का है सिंगल पेरेंट है ना, कोई नहीं मांगी कि उसके लड़कन अकेल रेज हो. सो देर इज डेफिनेटली अ रीजन वाई दैट पेरेंट इज सिंगल, बी अ सिंगल मदर और अ सिंगल फादर. तो प्लीज जज नहीं करो एंड अंडरस्टैंड करो एंड एक्सेप्ट इन वट एवर वे यू कैन एंड प्लीज असिस्ट इन वट एवर वे यू कैन एज वेल. ऑलरेडी आप अपने बच्चे को लेकर बहुत कुछ कर रही है, फ्यूचर में क्या कुछ प्लान्स है, अर्श के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी, आपके क्या कुछ गोल्स है? आई वुड लाइक टू ट्रैवल. अर्श एंड आई लव टू ट्रैवल. इनिशियली हम सोचा था जब अर्श प्लेन में बैठी देन ही वुड गेट ऑल एक्साइटेड और जंपी और ही विल स्टार्ट शाउटिंग, बट ऐसा कुछ नहीं रहा. सो वी हैव ट्रैवल्ड फ्यू टाइम्स एंड ही लव्स ट्रैवलिंग. सो आई वुड रियली वांट टू ट्रैवल विद अर्श सो दैट ही कैन सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. And he is able to understand things that, you know, a normal book is not able to teach him. So that's something I would love to do with him. Arsh ke tarha anya bachchon ke jo parents hai, unhe kya kuch batana chahengi? Actually, Shireen, just because Arsh autistic hai, I have come to know that there is a lot of kids out there jo autistic hai. And I have met a lot of parents as well. It's very disappointing to know ki most parents loan upon kids ke they try to bind them because of how the society wants them to be. Agar kids bahut halla kare to bahar nahi leke jao because kids chillaye lagi or something like that. I would say them ki please don't put a restriction on your child because koi aur aise soche hai. Let your child explore, learn and understand. Then only you will be able to understand your child. So just don't put a restriction on your child. Reshma, ऐसी बहुत सी कम महिलाएं होंगी जो खुद अपने बच्चे की देखभाल पूरी तरह से करती हैं. And congratulations to you that you are one of those strong mama out there. Thank you so much for sharing your story of hope. Thank you, Shireen, for having me on the show. Thank you very much. मिलते हैं अगले सप्ताह एक बार फिर, जहां हम एक अन्य महिला से एक अन्य विषय पर बातें करेंगे. अंटिल देन, फ्रॉम आवर हार्डवर्किंग लीगल प्रोडक्शन एंड ट्रोमा सपोर्ट टीम, आई एम शैरिन शिवान. गुड नाइट. कामयाब हुई है वे आज कामयाब. जज्बात जज्बात, ये है जज्बातों का जज्बा. जज्बात जज्बात, दिलों का ये है जज्बात. दिलों का ये है जज्बात. जज्बातों का जज्बात.